कानपुर देहात के बहुचर्चित बेहिमई कांड मामले में चल रही सुनवाई में 43 साल के बाद फैसला किया है। कोर्ट ने आरोपी श्याम बाबू को आरोपी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही अर्थ दंड भी लगाया गया है। तो वहीं एक आरोपी विश्वनाथ को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद दोषमुक्त साबित हुए विश्वनाथ ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। वहीं डीजीसी क्रिमिनल ने भी 43 साल बाद आए इस फैसले का पर खुशी जताई है। स्पेशल जज एंटी डकैती कोर्ट द्वारा सुनाए गए बहुचर्चित बेहमई कांड के फैसले पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने 43 साल बाद आए इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बेहमई कांड हम सब जानते हैं, इस जनपद का सबसे पुराना मामला है। आज के ही दिन यानी 14 फरवरी 1981 में एक बड़ा हत्याकांड हुआ था, लूटपाट हुई थी ग्राम बेहमई में, 20 लोगों की हत्या थी और 6 लोग उसमें घायल हुए थे। ऐसे कुल 26 के ऊपर हमला हुआ था और पूरे गांव में लूटपाट हुई थी। उस मामले में आज न्यायालय ने अभियुक्त श्याम बाबू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की अदायगी न होने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा भी है। देखिए, न्याय में विलम्ब, एक तरह से न्याय न देना है। 43 साल तक एक जो वादी था उसकी भी डेथ हो गई, बहुत सारे जो उसके गवाह थे उनकी डेथ हो गई, जो पीड़ित परिवार थे जिनके परिवार के लोगों की हत्या हुई उनमें बहुत सारे लोग अब नहीं रहे जो न्याय पाने की आस में थे, और उसके साथ में इसमें जो बहुत सारे जो मूल्यवान हैं उनकी भी डेथ हो गई। ऐसी स्थितियों में ये एक ऐसा मुकदमा रहा जो दिखाता है भारतीय न्याय व्यवस्था को कि अगर किसी को न्याय से खेलना है तो जो कानून के जो प्राविधान दिए गए हैं उनमें कैसे खेला जाए, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो अच्छा हुआ निर्णय हुआ सो अच्छा हुआ है। हाँ, 43 साल हो गए, आज हमको निर्णय मिला था, हम बेकसूर थे, इसलिए ईश्वर ने अच्छा अच्छा निर्णय किया। अच्छा,